नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। क्या अगर किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी ने ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपने को फिजिकली हैंडीकैप या पर्सन विद डिसेबिलिटी के कोटे में इंगित नहीं किया और जनरल कैटेगरी में टिक लगा दिया तो क्या वह क्लेम कर सकता है रिजर्वेशन का या नहीं? क्योंकि गलती तो पर्सन विद डिसेबिलिटी ने किया है, ऑनलाइन अप्लाई उसने किया है। अगर ऑनलाइन अप्लाई में उसने जनरल कैटेगरी में अपने को चूज किया है तो ये उसकी फॉल्ट है। तो इसमें रेस्पोंडेंट की क्या गलती, जो अथॉरिटी एग्जाम करा रही है उसकी क्या गलती? इसी विषय को समेटे हुए आपके बीच में एक केस स्टडी लेके आया हूं मैं। राजस्थान की एक बहन जी है, वह 80% दृष्टि दिव्यांग है। सिविल जज कैडर में 72 पदों के लिए विज्ञापन आया था, उन्होंने आवेदन किया और जो आवेदन किया उसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का कोटा होता है उस पर टिकना करते हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन जब सबमिट किया तो उसमें जनरल कैटेगरी में अपने को मेंशन किया। जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो इन्होंने यानी नीतू बहन जी ने एक एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन अथॉरिटी को दिया और कहा कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं और इसके पूर्व में हमने जो एग्जाम दिया था उसमें भी पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी में हमें अलाउ किया गया था एग्जाम देने के लिए, इसलिए जो जनरल कैटेगरी में हमको ट्रीट किया जा रहा है उसे रिजेक्ट करते हुए मुझे पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी में कंसिडर किया जाए मेरा कैंडिडेट। जो सर्विस कमीशन था उसने रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करते हुए रिजेक्ट कर दिया। उस रिजेक्शन के खिलाफ हर्ष जी चली गई हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में जब पिटीशन आई तो वहां पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई, इंदिरा साहनी वाला केस भी डिस्कस हुआ और बहुत सारे केसेस डिस्कस हुए, यहां तक कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाषण दिया था वह भी कोर्ट किया। आर्टिकल 14, 15, 39A डायरेक्टिव पॉलिसीज इनको भी कंसीडर किया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो एक्ट आया है दिव्यांगजन के लिए वह सोशल लेजिस्लेशन है, ऐसे लोगों के लिए है जो डिप्राइव्ड क्लास के हैं, जिनको पार्टिसिपेशन नहीं मिला है, उनको सोसाइटी में अपलिफ्ट करना है, इक्वलिटी देनी है, ऐसे लोगों के लिए एक्ट आया है। जो एक्ट की मंशा है, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर्स है, उसको ध्यान में रखते हुए हर्ष जी की पिटीशन को अलाउ किया और उसमें गांधी जी का एक कोट भी दिया, वी कैन डू नॉट फॉरगिव, जो सशक्त होता है उसे क्षमा करने की बात आती है। और उसका दूसरा एस्पेक्ट भी डिस्कस किया, जो पर्सन में डिसेबिलिटी है और दृष्टिबाधित हैं तो ऐसे लोग गलती कर सकते हैं और उनकी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए अथॉरिटीज को अवसर देना चाहिए अगर कैंडिडेट के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं तो। और यहां पर जैसे एग्जाम का रिजल्ट आया और जो नियुक्ति होनी थी उसके बहुत पहले ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया, इसीलिए अथॉरिटीज को कंसीडर करना चाहिए था। दो पद थे रिजर्व कैटेगरी में और उन दोनों पदों के लिए एक पद पर तो एक व्यक्ति का जो पर्सन विद डिसेबिलिटी था उसकी नियुक्ति हो गई, दूसरा पद जो था वह रिक्त था। और पब्लिक सर्विस कमीशन ने वहां यह कहा कि जो दूसरा पद था हमने उसको भी जनरल कैटेगरी से भर लिया है, अब पद खाली ही नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने वहां पर यह कहा कि जब हम पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ है कि अगर कोई वैकेंसी है और वह पद रिजर्व है परंतु उचित कैंडिडेट नहीं मिले तो उस वैकेंसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी अगर मान लीजिए जिस कैटेगरी के लिए वो पद है नहीं मिल रहा है तो जो और भी कैटेगरी पर्सन विद डिसेबिलिटी के हैं उनमें इंटरचेंज करते हैं, उनसे भरने का प्रयास करते हैं, अगर वो भी नहीं है तब जनरल कैटेगरी में हम जाते हैं। सारे तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए उच्च न्यायालय ने, जिसका साइटेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये निर्णय किया कि नीतू हर्ष का जो रिप्रेजेंटेशन था
कंसीडर एंड रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट करके पब्लिक सर्विस कमीशन ने सोशल लेजिस्लेशन के जो प्रावधान है उनका उल्लंघन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वलिटी की बात आई है उसका उल्लंघन किया है, और इंदिरा गांधी केस में जो वर्जन दिया गया था उसका भी उल्लंघन किया है। ऐसी दशा में माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि रेस्पॉन्डेंट्स को यह निर्देशित किया जाता है नीतु हर्ष के अभ्यर्थन को उस पद पर नियुक्ति हेतु तो विचार में पवित्रता के साथ लेना चाहिए, और जो ऑर्डर उन्होंने किया था कंसीडर्ड एंड रिजेक्टेड उसको क्वेश्चन कर दिया। यानी यहां पर एक सिद्धांत उभर कर बड़ा साफ सामने आया है कि यदि कोई दिव्यांग जन है और त्रुटि बस उसने अपने को जनरल कैटेगरी में मेंशन कर दिया है और उसने मच बिफोर अपॉइंटमेंट प्रोसेस एक रिप्रेजेंटेशन उसने दिया है कि हमको डिसेबल्ड कैटेगरी में ट्रीट किया जाए, तो ऐसी दशा में उस अथॉरिटी को पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी में ट्रीट करना चाहिए। और इस प्रकार से हमारे कुछ बंधुओं की जो चाहत थी, जो सवाल थे, उनका भी उत्तर मिल गया होगा। आज की बात यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें, ताकि हमारे अन्य बंधु जो इस तरह से अभी तक वंचित हैं, शोषित हैं, इस जजमेंट का लाभ उठा के, इस केस स्टडी का लाभ उठा के अपने को इक्वलिटी के पायदान पर ला करके पदस्थापित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।